अरे सुमिरन बिन कोता खाएगा, सुमिरन बिन कोता खाएगा, सुमिरन बिन कोता। और सुमिरन का अर्थ है याद। कहते हैं याद है तो आबाद है और भूला तो बर्बाद है। याद बने रहे। याद कैसी? एक राजा को ज्यादा क्रोध आता था, बहुत क्रोध आता था। और बताते हैं एक बार कोई महात्मा आ गया था, और वास्तव में ऐसा कहा है कामी क्रोधी लालची इन सो भक्त न होए हो, भक्त करे कोई सूर्यमा जात वर्ण कुल खोए। राजा ने महात्मा के पास आकर के कहा, प्रभु मुझे बहुत बड़ा क्रोध आता है, आप तो संत हैं और आप जरूर इसकी दवा बताएं। महात्मा ने कहा कि परसों 12 बजे तुम मर जाओगे। राजा को बहुत बड़ा बुरा लगा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो महात्मा क्या बोल रहा है, भाई मैंने बात कही है कि मुझे बहुत बड़ा क्रोध आता है और महात्मा कह रहा है कि परसों मर जाएगा 12 बजे। राजा ने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो महाराज, मैंने पूछा है कि मुझे क्रोध बहुत आता है, मैंने पूछा है उस बात को बताओ। महात्मा ने कहा कि परसों 12 बजे मर जाएगा। सोई राजा का अहंकार ढीला हो गया। अब आया, जिन जिन लोगों से लड़ाई थी, झगड़े थे, मनमुटाव था, सबके पास जा रहा है, सबसे माफी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, भैया क्षमा कर दियो, बस परसों मर जाऊं मैं 12 बजे। भैया मैंने कोई गलत काम किया हो तो माफ कर देना मेरे को। भैया कोई बात नहीं है, और गरीब लोगों के लिए दान दिलवा रहा है, भंडारा खुलवा दिया है, सबको खिलाओ पिलाओ, 3 दिन ही को तत्व खेलो, परसों तो मरी जाए। अब 3रा दिन हुआ, राजा देख रहा है जो जो समय आता जा रहा है और घबरा रहा है बहुत, और बहुत बड़ी विनम्रता और दान परोपकार सेवा में लगा हुआ है, और 12 बज गए पर राजा नहीं मरे हो। अब 12 बज गए, अब राजा ने कही जब महात्मा मुंडना है, अब देखेंगो जाने मारा रो 3 दिन आते। राजा ने जाकर के महात्मा से कहा कि आपने 12 बजे की कही के परसों 12 बजे मर जाओगे, अब 1 बजे मैं तो मरो ना है, तुम बहुत बड़े झूठ आदमी हो। बोले बात मरे हुए जीवे की नहीं है, जे बताए तो क्रोध कित को आओ कल परसों थे। बोले तुम्हें क्रोध की पड़ रही है, मैं तो सबने के हाथ जोड़ रहो, पांच छी रहो, खूब भंडारे खुलवा दे, दान दक्षिणा दे रहो सब लोगों ने। ओ महाराज मैं तो सोच रहा हूँ ये 2-3 दिन नहीं को जीवन है। तो के बस ऐसी याद बनी रहे, अपनी मृत्यु को याद बना करके रखोगे तो आपको क्रोध भी नहीं आएगा, अहंकार भी नहीं होगा, घमंड भी नहीं होगा, लोभ और मोह भी परेशान नहीं करेंगे। क्या ये जीवन है? भरोसा नहीं है। जब एक व्यक्ति जल रहा है तो आपने जान लिया कि मैं भी जल उधर ही जा रहा हूँ जलने के लिए। कोई पशु पक्षी मर गया, आपको ध्यान आ गया कि मेरा भी, मेरे भी शरीर में वही मसाला है। हम मुंह बंद करके निकल जाते हैं, पर ये ध्यान आ जाए कि हाँ हम भी बस इसी तरीका से, कभी पता नहीं ये जीवन की लीला कब समाप्त हो जाए। ऐसा ध्यान बना रहे, ऐसी स्मृति बनी रहे, तो सज्जनों इसी को प्रसमरण कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ऐसा जब ध्यान होगा, ऐसा स्मरण होगा, तो आप कभी गलत काम नहीं कर पाओगे, और कभी गलत नहीं करोगे तो आपके जीवन में भी कभी दुख आने वाला नहीं है। इसको कहते हैं सुमिरन। क्यों? क्या ले करके आया जग में, क्या ले करके आया जग में,
अरे क्या ले करके जाएगा सुमिरन बिन गोदा खाएगा। हाँ क्या ले करके जाएगा सुमिरन बिन, सुमिरन बिन गोदा खाएगा सुमिरन बिन। क्या लेकर के आए और को गौ तो काल लेकर के गए हो? नहीं, अभी हमने भजन बोला नहीं कि पाप पुण्य की तेरे संग में जावेगी गठरिया। इसलिए अच्छा काम करोगे तो आगे भी चल करके अच्छा होगा, और अच्छे बुरे से अगर उठ करके अपना ऊपर जीवन जियोगे तो आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए मुट्ठी मार के आया बंदे, हाँ मुट्ठी मार के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, हाँ हाथ पसारे जाएगा सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन, सुमिरन बिन गोता। जैसे सुवे ओ सके मोती, हमारा जीवन कैसा है, आप सवेरे सवेरे निकले सैर करने के लिए, उधर से सूर्य निकल रहे हैं तो ओस के मोती कैसे चमक रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन नेक हवा को झोंक आयो और वे सब के सब जड़ गए। हमारा जीवन ओस के मोती के समान है। जैसे सुबह हो सके मोती, अरे हवा चले झड़ जाएगा, हाँ हवा चले झड़ जाएगा सुमिरन बिना, हवा चले उड़ जाएगा, हाँ हवा कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाथ नहीं कुछ आएगा, हाँ हाथ नहीं कुछ आएगा सुमिरन बिन गोता, भैया ले सतगुरु की शरण उमरिया बीती जा रही है, यारो ले साहिब की शरण उमरिया, ओ